हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। में घिरे अलील वजीर खजाना ओहदा छोड़ने के लिए तैयार। इसाक डार का लंदन से वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को खत, इस्तीफे की पेशकश, कहा खराबी सेहत की वजह से काम नहीं कर सकता। वजीर खजाना के अपने खजाने की तहकीकात ने इसाक डार को अस्पताल पहुंचा दिया। 8 अरब रुपए असासों के केस में मतलूब वजीर खजाना 1 माह से बरतानिया में जेरे इलाज, मुसलसल अदम हाजिरी पर इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी जारी। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है उस बेंच के जजेस से कि वो कोई इंसाफ करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही फैसला ही नाइंसाफी की बुनियाद पर दिया है। जिस शख्स ने पीसीओ का हल्फ उठाया हो वो क्या किसी को इंसाफ देगा? पीसीओ के तहत हल्फ उठाने वाला जज कैसे किसी को नाअहल करार दे सकता है? मेरे खिलाफ फैसला नाइंसाफी की बुनियाद पर किया गया। नवाज शरीफ का एहतसाब अदालत में पेशी पर दो टोक पैगाम, कहा ना कभी एनआरओ किया और ना आइंदा करेंगे। उसूलों पर खड़े होने वाले कभी नाकाम नहीं होते। आज वो वक्त नहीं जो पहले हुआ करता था। जमहूरियत के मुखालफीन के लिए कौमी असेंबली का जवाब ही काफी है। पीपल्स पार्टी ने आमिरों के काले कानून की हिमायत की, नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी के इकदाम पर अफसरदा, कहा तहरीक इंसाफ ने झूठ धौंस और धरनों की सियासत की या आमिरों की पॉलिसियों पर गामजन है। टीपी से बातचीत का भी इंदिया। ये पाकिस्तान की जमहूरियत का इन्होंने मजाक उड़ाया है। जिधर जिधर दुनिया में पता चलेगा लोग हंसेंगे इनके ऊपर कि चोरों को आप बचा रहे हैं, आप जमहूरियत में होके एक डाकू को बचा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान नून लीग पर बरस पड़े, कहा नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया था, लेकिन कल अवामी नुमाइंदों ने उन्हें तहफ्फुज देकर जमहूरियत का मजाक उड़ाया। एक मुजरिम को पार्टी का सरबरा बनाया, इसके लिए अरकान असेंबली में 94 अरब रुपए तकसीम किए गए। पीपल्स पार्टी नहीं अदलिया पर हमले करके नवाज शरीफ जमहूरियत डीरेल कर रहे हैं। एहतजाज अहसन का नून लीग पर वार, कहा हुदैबिया पेपर्स मिल केस में नवाज शरीफ के खिलाफ चलता फिरता गवाह लंदन में मौजूद है, नवाज शरीफ उसे वापस नहीं आने देंगे। जरदारी साहब पहले किसी और की ईंट से ईंट बजाना चाहते थे, अब वो जमहूरियत की ईंट से ईंट बजाना चाहते हैं। वजीर कानून पंजाब राणा सनाउल्ला का तंज, कहा जब बद किरदार शख्स पार्टी की सरबराही कर सकता है तो नाअहल शख्स क्यों नहीं। आम इंतखाबात बर वक्त कराने के लिए हल्का बंदियों के मामले पर हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से मदद मांग ली। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की आसिफ जरदारी और बिलावल से मुलाकात की ख्वाहिश, खुर्शीद शाह ने पैगाम पार्टी कयादत तक पहुंचाने की यकीन दहानी करा दी, कहा तहरीरी तजावीज दें ताकि पार्टी कयादत जायजा लेकर जवाब दे। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी इस्लाहात एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म कर दिए। चीफ जस्टिस का इंतखाबी इस्लाहात एक्ट के खिलाफ अपीलें समाप्त के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। एहतसाब अदालत में नए प्रोसिक्यूटर और शरीफ फैमिली के वकील ख्वाजा हारिस में गर्मा गर्मी, गवाह मोहम्मद रशीद का बयान कलमबंद, गवाह को कंफ्यूज किया जा रहा है। नए प्रोसिक्यूटर का इल्जाम ये बेजा मदाखलत है, ये क्यों लुकमा देते हैं? ख्वाजा हारिस का रद्द अमल, हम लुकमा देने के लिए ही खड़े हैं। प्रोसिक्यूटर अफजल कुरैशी का जवाब, आपने लड़ना है तो फिर मैं चला जाता हूँ। जज मोहम्मद बशीर के रिमार्क्स, शरीफ फैमिली 28 नवम्बर को फिर अदालत तलब। कौमी असेंबली से रिलीफ मिलने के बाद नवाज शरीफ के मूड में खुशगवार तब्दीली। एहतसाब अदालत में सहाफी का पर्स जेब से गिरा तो बोले जेब में डाल लें, कोई और उठा लेगा तो इल्जाम मुझ पर आ जाएगा।
ملک سے کرپشن کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے سائنسی بنیادوں پر وائٹ کالر مقدمات کو مکمل کیا جائے گا چیئرمین نیب جاوید اقبال کا دو ٹوک پیغام کہا زیر سماعت نیب ریفرنس کی خود نگرانی کر رہا ہوں حکومت کی تشکیل کردہ مصالحتی کمیٹی کا وزیر قانون کو کام سے روکنے کا مشورہ کمیٹی اراکین کا کہنا ہے کہ زبرالحق کمیٹی کی رپورٹ پبلک ہونے تک وزیر قانون کو کام سے روک دیا جائے عمران خان عائشہ گل علی کو ڈی سیٹ کرانے کے لیے ڈٹ گئے الیکشن کمیشن کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی پر گل علی آئین کے تحت اسمبلی رکنیت سے نااہل ہو چکی درخواست میں موقف باٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کیا جائے خیبر پختونخوا حکومت انضمام کے لیے تیار ہے عدالت حکم دے عمران خان کی سپریم کورٹ میں درخواست صدر مملکت وزارت قانون اور دیگر کو فریق بنایا گیا پشاور ہائی کورٹ میں ڈیرہ اسماعیل خان لڑکی بے حرمتی کیس کی سماعت معاملہ عدالت کے انسانی حقوق سیل بھیج دیا گیا دو ہفتے میں رپورٹ جمع کرانے کا حکم شریفہ بی بی کو سیکیورٹی فراہم کر دی پولیس کی وضاحت سینٹ اجلاس میں چیئرمین سینٹ اور حافظ حمداللہ میں گرما گرمی جے یو آئی رکن نے حلقہ بندیوں پر بات کی اجازت نہ ملنے پر آؤٹ آف کنٹرول ایجنڈا پھاڑ کر ایوان سے واک آؤٹ السلام علیکم آج 9 بجے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں لیا آپ اور میں ہوں سادیا خواص بلٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے منسٹر کالونی کی رہائش خالی کر دی ہے ذرائع کے مطابق اسحاق ڈار نے اپنا تمام ضروری سامان ذاتی گھر میں منتقل کروا دیا ہے جبکہ منسٹر ہاؤس میں تعینات وزارت خزانہ کا عملہ بھی واپس چلا گیا ہے بالکل اہم خبر ہے اور اس اہم خبر کی ڈیٹیل لیں گے آج نیوز کے نمائندے ناصر کاظمی سے ناصر بتائیے گا کہ اسحاق ڈار نے منسٹر کالونی کی رہائش گاہ خالی کر دی ہے اور اپنا استعفیٰ بھی لندن سے بھجوا دیا ہے جی علی بالکل یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک اہم منسٹر ہیں فائنانس منسٹر اسحاق ڈار جنہوں نے اپنا جو استعفیٰ ہے وہ وزیر اعظم کو خط لکھا ہے کہ وہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں اور بیماری کے باعث وہ وزارت کے معاملات نہیں دیکھ سکتے اور انہوں نے ریکویسٹ کی ہے وزیر اعظم سے کہ ان کی سروسز جو ہیں وہ واپس لی جائیں اس کے بعد جو نیکسٹ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں وہ یہی ہیں کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا جو منسٹر کالونی میں واقع جو رہائش تھی اسے بھی خالی کرا دیا گیا ہے ہمارے ذرائع نے ہمیں کنفرم کیا ہے کہ اسحاق ڈار کی جو ضروری سامان تھا جو ان کی ضرورت کا اس گھر میں موجود تھا اسے بھی وہاں سے منتقل کروا دیا گیا ہے اور جتنا بھی عملہ تھا جو وزارت خزانہ کا وہ بھی واپس چلا گیا ہے اسحاق ڈار اپنی اہلیہ کے ہمراہ منسٹر کالونی میں رہائش پذیر تھے اور ان کی اہلیہ اس سے پہلے ہی ان کے ہمراہ جو ہے وہ لندن جا چکی ہیں اور وہ ابھی جو یہ گھر تھا وہ خالی پڑا ہوا تھا جو کہ انہوں نے اپنی بیماری کے باعث وزیر اعظم کو خط لکھا کہ اسحاق ڈار اپنی اہلیہ کے ہمراہ منسٹر کالونی کی جس رہائش گاہ میں رہ رہے تھے آج انہوں نے وہ رہائش گاہ خالی کر دی ہے اپنا ذاتی سامان اپنے گھر منتقل کر دیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ منسٹر ہاؤس میں تعینات وزارت خزانہ کا عملہ بھی اس گھر سے واپس چلا گیا ہے ناصر کاظمی ہمیں رپورٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو خط لکھ چکے ہیں جس میں انہوں نے اپنے استعفے کی پیشکش کر دی ہے استعفے کی وجہ طبیعت کی خرابی بتایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ ذمہ داریاں نبھانے سے قاصر ہیں ڈار آئے نہیں خط وطن آ گیا وزیر خزانہ نے استعفے کی پیشکش کر دی ملک کے خزانے کی کنجی رکھنے والے اسحاق ڈار عہدہ چھوڑنے پر تیار وزیر خزانہ نے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو استعفے کے لیے خط لکھ دیا لکھا طبیعت خراب ہے ذمہ داریاں نبھا نہیں سکتا ذرائع کے مطابق اسحاق ڈار نے خط لکھنے سے پہلے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اعتماد میں بھی لیا
वजीर खजाना इसहाक डार पर आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम है, जबकि शरीफ खानदान के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल्स में मुलजिम के तौर पर भी नामजद हैं। हमारे वजीर खजाना को बैरून मुल्क गए एक माह होने को आया है। करप्शन केसेस में अदालत में हाजिरी के लिए कासिद ने कई आवाजें लगाई, लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक डार साहब को दिल का अर्जा है, वो तो चार कदम भी नहीं चल सकते। चौबीस अक्टूबर 2017 गुजर गया पूरा एक महीना। मुल्क के खजांची वतन से ऐसे निकले कि लंदन पहुंचकर ही दम लिया। जाना तो था आलमी बैंक और आईएमएफ के सालाना इजलास में, लेकिन जब पेशी का वक्त करीब आया तो सीधा पहुंचे बरतानवी अस्पताल। साहेब लंदन के हार्ले स्ट्रीट में तीन बार तिब्बी मुआयना करा चुके हैं। मेडिकल रिपोर्ट अदालत में गई जिसमें इन्हें दिल का आर्जा बताया गया। डॉक्टर्स कहते हैं कि वो तो चार कदम भी नहीं चल सकते। एक माह मुसलसल इलाज के बाद भी वो खुद नहीं लौटे, बल्कि चिट्ठी पहुंचा दी गई। दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी पर तनकीद का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया, लेकिन अब बातचीत पर रजामंद दिखाई देते हैं। एहतसाब अदालत और शिफा अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने इमरान खान और अदलिया पर खुलकर तनकीद की और कहा पीसीओ के तहत हल्फ उठाने वाला कैसे किसी को नाअहल करार दे सकता है। तहरीक इंसाफ जमहूरी जमात नहीं, उसने झूठ धोंस और धरनों की सियासत की। पार्लियामेंट अब आमिरों के काले कानून को तहफ़ देने के लिए तैयार नहीं। इतदाद है जो अब आमरों के काले कवानीन को अब इंडेमनिटी देने के लिए अब तैयार नहीं है, तहफ़ देने के लिए तैयार नहीं है। ये कल आपने उसका सबूत देखा है। कल तस्वीर मैंने उनकी देखी है पीपल्स पार्टी की, उस पर मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरी ज़ात का अगर सवाल होता ना तो मुशरफ ने जब हमें मुल्क बदर किया था तो मैं ज़ात की खातर कुछ समझौता करके मैं भी एन आर ओ करके पाकिस्तान आ सकता था, मैंने नहीं किया। सेंसस के बाद अभी जो बिल पास होना था तो उसको तो एक सेकंड में पास होना चाहिए था, पहले दिन ही इतना वक्त लगना नहीं चाहिए था। मेरा फैसला पनामा के बजाय अकामा पे ना आता, ये उसका सबसे बड़ी दलील है। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है उस बेंच के जजेस से कि वो कोई इंसाफ करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही फैसला ही नाइंसाफी की बुनियाद पर दिया है। जिस शख्स ने पीसीओ का हल्फ उठाया हो वो क्या किसी को इंसाफ देगा? जिस शख्स ने पीसीओ का हल्फ उठाया हो वो कैसे किसी को सादक रमीन डिक्लेयर कर सकता है? अब बात करेंगे कप्तान की, जिन्होंने तहरीक इंसाफ पर तीरों की बारिश कर दी और कहा कि अवामी नुमाइंदों ने जमहूरियत का मजाक उड़ाया, मुजरिम को पार्टी का सरबरा बनाया जा रहा है। एहतसाब अवाम नहीं अदालतें करती हैं, नवाज शरीफ अवाम को बेवकूफ समझते हैं। डीआई खान में रेप मामले को मुखालफीन गलत रंग दे रहे हैं। कोहाट में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उनका कहना था कि विफाक ने केपीके के 35 अरब रुपए रोक रखे हैं। इमरान खान से किसी ने शादी का सवाल भी कर डाला। वो जो 160 मेंबर पार्लियामेंट है, मैं आपको कहना चाहता हूं आप शर्म से डूब जाएं। जमहूरियत की तारीख के अंदर इस तरह का किसी ने अपने मुल्क का मजाक नहीं उड़ाया। एक मुजरिम जो इस कौम का पैसा चोरी करके बाहर लेके जाता है उसको वो 5 मेंबर बेंच नाहिल करार देता है। उस नाहिल आदमी को जो इस कौम का पैसा चोरी करता है, कौन उस नाहिल आदमी को एक पार्टी का सरबरा बनाते हैं? वो लोग जो अपने आप को पब्लिक नुमाइंदे कहते हैं। पब्लिक का 30,000 करोड़ रुपया बाहर गया हुआ है और वो किसकी हिफाजत कर रहे हैं? एक मुजरिम की। नवाज शरीफ मुज़ाकरात पर रजामंद दिखाई देते हैं, लेकिन पंजाब के वजीर कानून राणा सनाउल्ला ने आसिफ जरदारी पर भरपूर तनकीद की। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि जरदारी साहब पहले किसी और की ईंट से ईंट बचाना चाहते थे, आज वो जमहूरियत की ईंट से ईंट बचाना चाहते हैं। पीपी चेयरमैन को नवाज शरीफ से मुलाकात ना होने का गम है। उन्होंने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ अदलिया और अवाम में तसादुम कराना चाहती है। अगर एक बदकिरदार शख्स पार्टी सरबरा हो सकता है तो नाअहल शख्स क्यों पार्टी सदर नहीं बन सकता?
हमारी ये गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब से कि ये जो पिंडी का शैतान और ये जो जमहूरियत मुखालफ कुवतें हैं, आप इनको पहचानें और ये जो एक सियासी लड़ाई है ये उसको घसीट घसीट के जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ला रहे हैं। जरदारी साहब जो है वो पहले किसी और की ईंट से ईंट बजाने पे जो है वो तुले हुए थे, आजकल जो है वो जमहूरियत की ईंट से ईंट बजाने के ऊपर जो है वो कमर बस्ता है। आप जिनकी ईंट से ईंट बजाने निकले थे उनकी तो अब ईंट से ईंट आप जोड़ने पे जो है वो आ गए हैं, तो अब जमहूरियत की ईंट से ईंट ना बजाएं। वहाँ पे अगर आपने ईंट से ईंट बजाने का इरादा तर्क कर दिया है तो बराए मेहरबानी अब जमहूरियत की ईंट से ईंट ना बजाएं, ये इरादा भी जो है ना इसके ऊपर भी नज़रसानी करें। मुश्किलात में घिरे साबिक वज़ीर-ए-आज़म को फैसाबाद पर मुश्किलात का शिकार अवाम का ख्याल आ ही गया। नवाज शरीफ ने मुज़ाकरात के जरिए धरना खत्म कराने की हिदायत कर दी, कहा कि मुज़ाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फैजाबाद पर मजहबी जमात का धरना, धरना खत्म कराने पंजाब हाउस में बैठक लग गई। नवाज शरीफ ने मुशावरती इजलास में मामला फहमो तफहीम से हल करने पर जोर दिया। इजलास में जाहिद हामिद ने इलेक्शन कमीशन में खत्म नबूवत से मुतालिक पैदा होने वाली सूरत हाल पर ब्रीफ किया, जबकि राजा जफरुल हक ने बताया कि मुजाहिरीन जाहिद हामिद के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। हिदायत की गई कि मामले को बेहतर अंदाज से हल किया जाएगा, जबकि मुजाहिरीन के खिलाफ किसी किस्म का तशद्दुद या ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वेलकम बैक अगेन। अभी आपको बताएं कि डेरा इस्माइल खान में दहशत गर्दों से झड़प में मेजर इसाक शहीद हो गए। आर्मी चीफ ने शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत की। DGIS पाल का कहना है कि पाक फौज मादरे वतन की हिफाजत का मुकद्दस फरीजा अंजाम देती रहेगी। एक बदन खाकी के जीने की वजह हो, ऐ वतन तेरा भला हो, भला हो, भला हो। कौम का एक और सबूत मादरे वतन पर कुर्बान। DI खान में दहशत गर्दों के साथ मुकाबले में मेजर इसहाक ने जाम में शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक कुलाची में सर्च ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें मेजर इसहाक शहीद हो गए। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत आला फौजी अफसरान ने शिरकत की। शहीद मेजर इसहाक का ताल्लुक खुशाब से था। पसमानदगान में बेवा और एक साल का बच्चा शामिल है। DGISPR का कहना है कि पाक फौज मादरे वतन की हिफाजत का मुकद्दस फरीजा अंजाम देती रहेगी। इस्लामाबाद में मजहबी जमात का धरना 17 रोज से जारी है। आए रोज मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें और रास्ते बंद होने से अवाम शदीद परेशानी का शिकार हैं। हुकूमत धरना तो खत्म नहीं करा सकी, लेकिन मसालेहती कमेटी ने हल ढूंढ निकाला। देखिए एयरपोर्ट। सत्रह रोज गुजर गए, जुड़वा शहरों के बासियों की मुश्किलात कम ना हो सकी। सरतोड़ कोशिशों के बावजूद मजहबी जमात का धरना जारी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम फैजाबाद में जारी धरने से अवाम सख्त अजियत का शिकार हैं। जगह जगह कंटेनर्स और रास्ते ब्लॉक होने से बच्चे बूढ़े सभी परेशान हैं। 17 रोज से मुजाहिरीन की कानून नाफिज करने वाले एहलकारों से हल्की फुल्की झड़पें भी जारी हैं। ताजा वाकये में मुजाहिरीन ने कंटेनर पर चढ़कर फोर्सेस पर पथराव किया, जिसके नतीजे में SP समेत 4 एहलकार जख्मी भी हुए। सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत की नामजद मुसालेहती कमेटी ने मसले का हल ढूंढ निकाला। कमेटी ने तजवीज दी कि राजा जफरुल हक कमेटी की रिपोर्ट मंजरे आम पर आने तक वजीर कानून जाहिद हामिद को काम करने से रोक दिया जाए। जाहिद हामिद को काम से रोकने की मुसालेहत काम आ सकेगी या नहीं, धरने वाले तो वजीर कानून के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। दरख्वास्त में सदर ममनून हुसैन, वजारत कानून, वजारत सैफरान और फाटा सेक्रेटेरिएट को फरीक बनाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आइनी दरख्वास्त दर की है, जिसमें सदर ममनून हुसैन, वजारत कानून, वजारत सैफरान और फाटा सेक्रेटेरिएट फरीक बनाया गया है।
درخواست میں استطاع کی گئی ہے عدالت فاٹا کو کے پی میں ضم کرنے کا حکم دے. اپیل میں کہا گیا ہے کہ آئین تمام شہری کو برابری کی بنیاد پر بنیادی حقوق فراہم کرتا ہے. صدر مملکت کو فاٹا میں امن اور گورننس کے لیے قانون سازی کا اختیار ہے. صدر ممنون حسین نے فاٹا اصطلاحات پیکج کا اعلان کیا. کے پی حکومت نے اپنی تمام آئینی ذمہ داریاں پوری کر دیں. صوبائی حکومت فاٹا کو کے پی میں ضم کرنے کے لیے رضامند ہے. صوبائی اسمبلی فاٹا کے انضمام پر قرارداد بھی منظور کر چکی ہے. عدالت آنے سے پہلے تمام فورمز پر معاملہ اٹھا چکے ہیں. ادھر کپتان اپنی متنفر رہنما کو قومی اسمبلی کی رکنیت سے نااہل قرار دینے کے لیے متحرک ہیں. عمران خان نے عائشہ گلالئی کی حمایت میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. عائشہ گلالئی کو پی ٹی آئی سے نکالا جا چکا ہے. انہوں نے وزیر اعظم کے انتخاب میں پارٹی پالیسی نہیں اپنائی. الیکشن کمیشن نے عائشہ گلالئی کی نااہلی کے لیے پی ٹی آئی کا ریفرنس مسترد کیا تو کپتان نے عدالت عظمیٰ کا دروازہ کھٹکھٹا لیا. عائشہ گلالئی کے خلاف درخواست دائر کر دی. عمران خان نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن نے عائشہ گلالئی کے خلاف ریفرنس میں جو فیصلہ دیا وہ حقائق اور قانون کے برخلاف ہے. عدالت الیکشن کمیشن کا فیصلہ ختم کر کے عائشہ گلالئی کو نااہل قرار دے. حلقہ بندیوں کے معاملے پر حکومت نے پیپلز پارٹی سے مدد مانگ لی ہے. وزیراعظم نے خورشید شاہ سے پارٹی قیادت سے رابطہ کرانے کی درخواست کر دی ہے. اپوزیشن لیڈر نے قیادت سے بات کرنے کی یقین دہانی کرا دی. عام انتخابات 2018 میں حائل رکاوٹ کیسے دور کی جائے؟ حلقہ بندیوں کے معاملے پر حکومت نے پیپلز پارٹی سے مدد مانگ لی. وزیراعظم نے اپوزیشن لیڈر کو آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات کرانے کی درخواست کر دی. خورشید شاہ نے پیغام پارٹی قیادت تک پہنچانے کی یقین دہانی کرائی. ساتھ ہی حکومت کو تحریری طور پر تجاویز دینے کا بھی کہہ دیا. مجھ سے کل پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی اسپیکر کے تھرو اور اس نے کہا کہ میں زرداری صاحب سے ملنا چاہتا ہوں, چیئرمین بلاول سے ملنا چاہتا ہوں, تو میں نے ان کا میسج جو ہے اب لیڈرشپ کو رات کو پہنچا دیا تھا. حلقہ بندیوں سے متعلق آئینی ترمیمی بل قومی اسمبلی سے منظور ہو چکا, تاہم حکومت کو سینٹ میں عددی برتری نہ ہونے کے باعث پیپلز پارٹی کی مدد درکار ہے.